मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक और विराम चिन्ह की। विराम चिन्ह यानी कि भाषा में रुकते समय, बोलते समय हम विभिन्न चिन्हों का प्रयोग करते हैं। किस लिए? रुकने के लिए। जैसे कि एक ही वाक्य को लगातार रूप में बोलने से उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, तो विराम चिन्ह हमें रुकने का संकेत देते हैं, रुकने का कि कहाँ कितना रुकना है। तो हमने आपको पूर्ण विराम बताया और अल्प विराम बताया। पूर्ण विराम कहाँ लगा रहे थे? जहाँ वाक्य पूरा खत्म होता है और हमारा पूरा मीनिंग क्लियर हो जाता है, वहाँ हम पूर्ण विराम लगाते हैं। और अल्प विराम कहाँ लगाते हैं? जहाँ पर एक ही वाक्य में हमें कई सारे शब्दों को बोलना होता है या थोड़ा कम लिखना होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक अलग विराम चिन्ह की, यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह की। ये आप इस चिन्ह से आप सब परिचित हैं। ये कहलाता है प्रश्न सूचक चिन्ह, यानी कि इंग्लिश में जिसे आप क्वेश्चन मार्क कहते हो। तो ये आपके लिए सबसे आसान है पहचानना, ये प्रश्न सूचक चिन्ह है। कहाँ लगाया जाता है? प्रश्न वाले वाक्यों में, जब आप किसी से कोई बात पूछते हो। जैसे कि मैंने कहा आपका नाम क्या है, तो मैं क्या लगाऊंगी अंत में? प्रश्न सूचक चिन्ह कि आपका नाम क्या है, तुम घर कब आए। ठीक, तुम्हारे प्रिय फल का नाम क्या है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, सूरज किस दिशा से उदय होता है। हर एक वाक्य में हम अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि प्रश्न वाले वाक्यों में होता है। इसके अलावा कई बार प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देने से साधारण वाक्य भी प्रश्न में बन जाती है यानी बदल जाती है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा कि पिताजी घर आ गए। ठीक, मैंने एक वाक्य लिखा पिताजी घर आ गए। ठीक, अगर मैंने यहाँ पूर्ण विराम लगाया तो मेरी बात क्या होगी कि पिताजी घर आ गए, यानी कि पिताजी घर आ गए, वाक्य कंप्लीट हो गया, पूर्ण विराम लगा दिया, खत्म। लेकिन इस पूर्ण विराम की जगह मैं हटा दूँ यहाँ पर और यहाँ मैं ये लगा दूँ क्वेश्चन मार्क, कैसे? आप सोच रहे होंगे तो नॉर्मल वाक्य है, पिताजी घर आ गए, मैडम ने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया। अगर मैं यहाँ कह दूँ पिताजी घर आ गए, क्वेश्चन मार्क लगाने से अब मैं इसको कुछ इस तरीके से पूछूंगी, पिताजी घर आ गए, यानी कि मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। इस क्वेश्चन मार्क के लगा देने से वाक्य के पढ़ने का तरीका क्या हो गया? बदल गया। अभी यहाँ ये नहीं बोलूंगी पिताजी घर आ गए, यानी कि मुझे बताए और मैं तुम्हें बता रही हूँ पिताजी घर आ गए। ठीक, पूर्ण विराम। लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया इस वाक्य में, भले ही क्या क्यों शब्द नहीं है लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तो ये प्रश्न बन गया। और मैं किस प्रकार पढ़ूंगी इसको? पिताजी घर आ गए, यानी कि मैं आपसे पूछ रही हूँ पिताजी घर आ गए क्या, तो वो क्या शब्द इसमें छुपा है लेकिन क्वेश्चन मार्क के द्वारा आपने उसे प्रश्न बना दिया है। तो ये जो प्रश्न सूचक चिन्ह क्या होता है, किसी भी वाक्य को प्रश्न में बदल सकता है, इसलिए इस प्रश्न सूचक चिन्ह का महत्व हमें समझना है। और पंक्चुएशन मार्क में प्रश्न वाले वाक्यों में इन्हें विशेष रूप से लगाया जाता है। और आप बोलते ना मेरा नाम अमन है, तुम्हारा नाम क्या है, और अगर आपने कहा मेरा नाम अमन है, तुम्हारा नाम, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी कि मैं आपसे आपका नाम पूछना जा रही हूँ। आपका नाम अगर यहाँ लिख के मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूँ, आपका नाम क्वेश्चन मार्क, तो आपका नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क का मतलब ही, यानी प्रश्न सूचक चिन्ह का मतलब ही क्या होता है? प्रश्न पूछना। तो साधारण वाक्य में बिना क्या क्यों किसका करके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सिर्फ इस क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न सूचक चिन्ह के माध्यम से। तो आपको पता चल गया कि प्रश्न वाले वाक्यों में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, साधारण वाक्य में भी प्रश्न सूचक चिन्ह लगाकर उसे वाक्य में प्रश्न में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अभी तक आपने कितने वाक्य विराम चिन्ह सीख लिए? पूर्ण विराम जो वाक्य के अंत में लिखता है, अर्थ अल्प विराम जो कि एक ही वाक्य में कई सारे शब्दों के बीच थोड़ा रुकने के लिए लगाया जाता है, और तीसरा प्रश्न सूचक चिन्ह जो प्रश्न पूछने वाले वाक्य में लगाया जाता है। तो ये तीनों हो गए हैं, इनको समझ लीजिए।
आगे के विराम चिन्ह हम आपको आगे के मॉड्यूल में बताएंगे, आप इनको लिखते रहिए, इनके अभ्यास करते रहिए, क्योंकि इसके अंत में हम आपसे अलग अभ्यास भी करवाएंगे। इसी आशा के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हो, हम अगले विराम चिन्ह के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।